ये कहानी है जल परियों की नगरी की। कुछ समय पहले समुद्र के नीचे एक जल परियों की नगरी हुआ करती थी। सारी जल परी वहाँ पर एक साथ रहती थी। पानी के नीचे की दुनिया पृथ्वी लोक जैसी ही थी। उस दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। समुद्र के नीचे ही सभी जल परियों की रानी का महल भी था। रानी जल परी की एक ही बेटी थी जिसका नाम अनामिका जल परी था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके अच्छे स्वभाव की वजह से ही बाकी जल परियां उसको बहुत पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन रानी जल परी ने अनामिका जल परी को अपने पास बुलाया और वो अनामिका जल परी से बोली, बेटी बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ, आपको मुझसे क्या कहना है? बेटी तुम अब बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हारी बहुत प्यार से देखभाल करी है, लेकिन बेटी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और तुम्हें तो पता ही है किसी भी जल परी को उसके जादुई शंख मिलने से पहले उसको किसी इंसान से शादी करनी पड़ती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम्हारी शादी करवा दूँ। लेकिन माँ मैं आपको और समुद्र की दुनिया को छोड़कर कैसे रह सकती हूँ? लेकिन बेटी ये नियम तो कई सालों से चलता आ रहा है और वैसे भी रानी जल परी की बेटी को किसी न किसी इंसान से शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसके बाद तुम्हारी बेटी यहाँ की रानी बनेगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है बेटी, कल मैं पृथ्वी लोक जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, मैं जल्द ही तुम्हारे शादी का बंदोबस्त करती हूँ। इतना कहकर रानी जल परी वहाँ से चली गई और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब शादी की तैयारी होने लगी। एक दिन अनामिका परी अपने महल में बैठी हुई थी तभी उसकी एक सहेली उसके पास आई और बोली, क्या हुआ अनामिका जल परी, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुमने अभी तक शादी की तैयारी नहीं की है। तुम्हें तो पता ही है मुझे ये जल परियों की दुनिया छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन हमारे परिवार का ये नियम है। अनामिका तुम ये सब मत सोचो, तुम्हारी शादी इंसान के साथ हो रही है और वो पृथ्वी लोक में ही होगी। मैंने सुना है वहाँ के लोग बहुत अच्छे और सुंदर कपड़े पहनते हैं। क्या तुमने अपनी शादी के लिए कुछ खरीदा है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है और हमारे जल परियों की दुनिया में इंसानों के कपड़े मिलते भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? तुम एक काम करना, कल सुबह तुम पृथ्वी लोक चली जाना और वहाँ जाकर शादी के लिए एक अच्छा सा फ्रॉक लेकर आ जाना। ये सब सुनकर अनामिका जल परी बहुत खुश हो गई। अगले दिन सुबह उसने इंसानों का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी लोक चली गई। वहाँ जाकर वो लहंगे की दुकान ढूंढने लगी। अनामिका जल परी ने बहुत ही महंगे हीरे के गहने पहन रखे थे और वो इंसानों के रूप में ही थी, इसलिए उसको कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। तब अनामिका को कुछ गुंडों ने देख लिया। अरे देख, उस लड़की ने कितने सारे गहने पहन रखे हैं। चल वो गहने हम उससे छीन लेते हैं। हाँ चल, मुझे तो लगता है यहाँ पर नई आई है ये, मैंने इस लड़की को यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। इतना कहकर गुंडों ने अनामिका जल परी को वहीं पर घेर लिया और वो बोले, ए लड़की जल्दी से सारे गहने हमें दे दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। ये तुम लोग क्या कह रहे हो, ये गहने मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये सब सुनकर गुंडे बहुत क्रोधित हो गए। तभी अनामिका जल परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। ये देखकर गुंडे और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अनामिका जल परी की वो जादुई छड़ी छीन ली और उसको तोड़ दिया और उसके पहने हुए सारे गहने भी छीन कर ले गए और वो दोनों गुंडे वहाँ से भाग गए। तब अनामिका जल परी जोर जोर से रोने लगी। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी, मेरे पास मेरी जादुई छड़ी भी नहीं है, मैं अब किससे मदद मांगूंगी? ये सब सोचकर वो एक तालाब के पास बैठकर रो रही होती है। जब अनामिका जल परी जोर जोर से रो रही थी तब तालाब के उस पार एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अनामिका जल परी को रोता हुआ देख बुढ़िया वहाँ पर आती है और अनामिका जल परी से कहती है, तुम कौन हो बेटी और तुम यहाँ पर अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? आप कौन हो, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बेटी, अगर तुम मुझे सब कुछ खुलकर बताओगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सब सुनकर अनामिका जल परी को उस औरत के ऊपर भरोसा हो गया।
और फिर अनामिका जलपरी ने उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बताया। बेटी तुम फिकर मत करो, मैं एक जादूगरनी हूँ, तुम जलपरी की नगरी की राजकुमारी हो। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और घुमाई, तभी उनके सामने एक जादुई फ्रॉक आ जाता है। तब उस बूढ़ी औरत ने वो फ्रॉक अनामिका जलपरी को दे दिया और उससे बोली, बेटी ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है, ये कोई साधारण फ्रॉक नहीं है, ये एक जादुई फ्रॉक है और ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी घर वापस नहीं जाना है, मुझे उन गुंडों को पकड़ना है, उनके पास मेरे सारे गहने हैं, मुझे उनसे अपने गहने वापस लेने हैं, लेकिन अभी वो लोग कहाँ हैं मुझे ये नहीं पता है। तुम फिकर मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई शक्तियों की मदद से सब कुछ पता लगा लिया कि वो गुंडे कहाँ पर है और अनामिका जलपरी को उनका पता बता दिया। जाओ बेटी, अब जाकर अपने गहने उनसे वापस ले लो। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और अनामिका जलपरी भी उन गुंडों के पास आ जाती है। अनामिका जलपरी को देखकर वो गुंडे हंसने लगे। ये देख, ये लड़की पागल है, ये फिर से हमारे सामने आ गई। तुम लोग अभी के अभी मेरे गहने वापस करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर जैसे ही वो गुंडे अनामिका जलपरी को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी अनामिका जलपरी के जादुई लहंगे से दो छड़ी बाहर आ गई और वो छड़ी खुद ब खुद ही उन गुंडों को पीटने लग गई। कुछ देर बाद ही उन गुंडों ने अनामिका जलपरी से माफी मांग ली और उसके सारे गहने वापस कर दिए और उस जादुई लहंगे की मदद से फिर से जलपरियों की दुनिया में आ गई। कुछ दिनों बाद अनामिका जलपरी की शादी हो गई और अनामिका जलपरी ने अपनी शादी में वो जादुई फ्रॉक ही पहना था और वो जादुई फ्रॉक अनामिका जलपरी हमेशा अपने पास संभाल कर रखती थी और अब वो अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगी। अत्याचारी मालकिन और परी का दिया जादुई घर। एक बार की बात है, सोनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ वृंदावन गांव में रहती थी। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। जब सोनाक्षी छोटी थी तभी एक हादसे में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद से घर की सारी जिम्मेदारियाँ उसकी माँ वसुंधरा ने उठाई थी। वसुंधरा गांव की ठकुराइन के यहाँ काम करने जाती थी। ठकुराइन वसुंधरा को उसके मेहनत के हिसाब से बहुत कम पैसे देती थी, लेकिन फिर भी वसुंधरा उन पैसों में खुश थी क्योंकि उतने पैसे में उसका और उसकी बेटी का पेट भर जाया करता था। सोनाक्षी अपनी गरीबी से बिल्कुल खुश नहीं रहती थी क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत तरसती थी। दो वक्त के खाने के अलावा उसे कुछ नहीं मिल पाता था, इसलिए वो दूसरे लोगों की चीजें देखकर बहुत तरसती थी। एक बार की बात है, वसुंधरा काम करने ठकुराइन के घर जा रही थी, तभी सोनाक्षी अपनी माँ से कहती है, माँ आप मुझे रोज घर में अकेला छोड़कर चली जाती हो, आज मुझे भी आपके साथ ठकुराइन के घर जाना है। लेकिन बेटा तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, मालकिन और उनकी बेटी बहुत गुस्से वाली है, अगर तुमसे भूल से भी कोई भूल हो गई, तो वो मुझे भी काम से निकाल देंगी और अगर उन्होंने हमें काम से निकाल दिया तो हम दो वक्त का खाना कैसे खा पाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ, मुझे आपके साथ जाना है, आप रोज बहाने बनाकर मुझे नहीं लेकर जाती हो, मैं कोई भी शैतानी नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो चलो मेरे साथ, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। इतना कहकर वसुंधरा सोनाक्षी को अपने साथ काम पर ले जाती है। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो मालकिन कहती है, अरे वसुंधरा ये तू अपने साथ अपनी बेटी को क्यों लेकर आई है, अगर लाई है तो अपनी बेटी से बोल दियो घर में शैतानी ना करे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझी। जी मालकिन, अब चिंता मत कीजिए, मैंने इसको समझा दिया है, ये कोई शैतानी नहीं करेगी। उसके बाद वसुंधरा सोनाक्षी को लेकर अंदर चली जाती है और घर की सफाई करने लगती है। वसुंधरा जहाँ भी सफाई कर रही थी सोनाक्षी को अपने साथ ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद वसुंधरा सफाई करने अपनी मालकिन की बेटी रूबी के कमरे में जाती है। रूबी के कमरे में एक बहुत खूबसूरत गुड़िया रखी हुई थी। सोनाक्षी उस गुड़िया को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी माँ से कहती है,
माँ वो देखो कितनी खूबसूरत गुड़िया है, क्या मैं थोड़ी देर उसके साथ खेल लूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं सोनाक्षी, रूबी बहुत गुस्से वाली है, अगर तुम उसकी गुड़िया से खेलोगी तो वो रोने लगेगी और फिर मालकिन गुस्से में कुछ भी कर सकती है। सोनाक्षी अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन उसको रूबी की वो गुड़िया बहुत पसंद आई थी। सारा काम खत्म करने के बाद वसुंधरा सोनाक्षी को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद भी सोनाक्षी का पूरा ध्यान गुड़िया पर ही था। वसुंधरा सोनाक्षी से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? माँ मुझे वो गुड़िया चाहिए, मुझे वो गुड़िया सच में बहुत अच्छी लगी। बेटी वो बहुत ही महंगी गुड़िया है, इसलिए तुम उसका ख्याल करना छोड़ दो, हम बहुत गरीब है बेटी, मैं तुम्हें इतनी महंगी गुड़िया नहीं दिलवा सकती हूँ। सोनाक्षी अपनी माँ की बातें मान लेती है और खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सोनाक्षी फिर से वसुंधरा के साथ ठकुराइन के यहाँ जाने की जिद करती है, इसलिए वसुंधरा उसे अपने साथ काम पर ले जाती है। आज ठकुराइन किसी काम से बाहर गई थी और रूबी भी स्कूल गई हुई थी। ये सब देख सोनाक्षी सोचती है, आज तो यहाँ कोई नहीं है, रूबी को घर आने में भी अभी बहुत समय है, एक काम करती हूँ रूबी की गुड़िया से थोड़ा सा खेल लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना सोचकर सोनाक्षी रूबी के कमरे में चली जाती है और उसकी गुड़िया से खेलने लगती है। वसुंधरा काम में बिजी थी इसलिए उसका ध्यान सोनाक्षी की तरफ नहीं जाता है। सोनाक्षी गुड़िया के साथ खेल रही थी तभी उसके हाथ से गुड़िया छूट जाती है और वह जमीन पर गिरकर टूट जाती है। गुड़िया के टूटने से सोनाक्षी बहुत डर जाती है। तभी रूबी घर आ जाती है और सोनाक्षी को अपने कमरे में देख लेती है, साथ ही वो टूटी हुई गुड़िया को भी देख लेती है। ये सब देखकर रूबी कमरे में जाती है और सोनाक्षी को जोरदार तमाचा लगा देती है। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? चोर कहीं की, तू मेरी गुड़िया चुराना चाहती थी ना, मैं अभी मम्मी को फोन करके बुलाती हूँ। रूबी अपनी माँ को फोन करती है और रोने लगती है। रूबी को रोता सुन रूबी की माँ फौरन घर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताओ। माँ, आपकी नौकरानी की बेटी मेरी गुड़िया चुराना चाहती थी, उसने मेरी गुड़िया तोड़ दी मम्मी, वो गुड़िया आप मेरे लिए शहर से लाई थी। वसुंधरा, तूने और तेरी बेटी ने हद पार कर दी है, मेरी बेटी को रुलाया तुम दोनों ने, अब तू देख वसुंधरा मैं तेरी बेटी के साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर रूबी की माँ किचन में जाती है और पतीले में गर्म पानी कर लेती है और खोलता हुआ पानी लाकर सोनाक्षी के ऊपर डाल देती है। मालकिन को ऐसा करता देख वसुंधरा कहती है, मालकिन ये आपने क्या किया, मेरी बेटी के ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दिया, सोनाक्षी बेटा तुम ठीक तो हो ना? खोलता हुआ पानी शरीर पर पड़ने के कारण सोनाक्षी बेहोश हो गई थी, चेहरे से नीचे उसका पूरा शरीर जल चुका था। उसके बावजूद मालकिन को उस पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। अब अपनी बेटी को उठा और निकल जाए इस घर से, आज के बाद यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मुझे भी शौक नहीं है ऐसी जगह काम करने का जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज ना हो। एक माँ होकर किसी के बच्चे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो। इतना कहकर वसुंधरा अपनी बेटी को उठाकर रोते हुए घर ले जाती है और उसके शरीर पर गीली मिट्टी लगा देती है ताकि उसकी बेटी को थोड़ा आराम मिले। हे भगवान, कैसी दरिंदगी आ गई है लोगों में, मेरे बच्चे को बचा लेना भगवान, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा आपके ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा। वसुंधरा अपनी बेटी का खूब ध्यान रखती है, लेकिन सोनाक्षी तो होश में ही नहीं आ रही थी। अब वसुंधरा का दिल बैठा जा रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोनाक्षी को होश तो आ जाता है लेकिन वो चल फिर नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पूरा शरीर ही जल चुका था। बेचारी वसुंधरा बहुत परेशान थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक रात अचानक बहुत तेज आंधी आने लगी, वो आंधी वसुंधरा का घर झेल नहीं पाया और वसुंधरा का घर टूट गया। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमसे, मेरी बेटी अभी तक ठीक नहीं हुई थी और हमारा घर गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे, घर में खाने के लिए राशन भी खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पर परीलोक की रानी परी प्रकट होती है और कहती है, वसुंधरा रोना बंद करो, देखो मैं आ गई हूँ, अब तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। कौन हो तुम और तुम कैसे करोगी मेरी परेशानियों को दूर?
मैं परीलोक की रानी परी हूँ वसुंधरा, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी। मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम इतनी परेशानी में हो, और आज तो तुम्हारा घर भी टूट गया, इसलिए मैं तुम्हें एक नया जादुई घर देना चाहती हूँ। क्या सच में? लेकिन कैसे? तभी रानी परी वसुंधरा के घर की जगह पर एक बहुत बड़ा घर प्रकट करती है और कहती है, ये घर एक जादुई घर है, इस घर के अंदर तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और तुम जिस चीज की मांग करोगी ये घर तुम्हें वो चीज देगा। इतना ही नहीं, ये घर तुम्हारी बेटी को पहले की तरह ठीक कर देगा। सच में रानी परी जी, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। वसुंधरा घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो बहुत सुंदर गुड़िया के साथ खेल रही थी। ये सब देखकर वसुंधरा बहुत खुश होती है और हाथ जोड़कर परी का धन्यवाद करती है। तभी सोनाक्षी कहती है, माँ देखो, ये गुड़िया तो रूबी के गुड़िया से भी बहुत सुंदर है। हाँ मेरी बच्ची, तुम सही कह रही हो। वसुंधरा जादुई घर से खाने के लिए राशन मांगती है और अपनी बेटी को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वसुंधरा सोनाक्षी का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। रूबी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। सोनाक्षी को इतने बड़े स्कूल में आता देख रूबी हैरान हो जाती है और घर जाकर अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है हमारी नौकरानी की जो बेटी थी ना, जिसके ऊपर आपने गर्म पानी डाल दिया था, वो मेरे स्कूल में पढ़ती है। क्या कहा तूने? सच में? उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो उसने अपनी बेटी का एडमिशन तेरे स्कूल में करवाया? हमें चलकर देखना होगा। मालकिन अपनी बेटी के साथ सोनाक्षी के घर जाती है। वो देखती है कि जहाँ पर उनकी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, उस जगह पर अब एक बहुत बड़ा आलीशान घर है। ये सब देख मालकिन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वसुंधरा ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली। ये सब जानने के लिए वो एक घटिया सा प्लान बनाती है और वसुंधरा के दरवाजे पर खड़ी होकर वसुंधरा को आवाज लगाने लगती है। जब वसुंधरा बाहर आती है तो वो कहती है, वसुंधरा मुझे माफ कर दो बहन, मैंने गुस्से में तुम्हारी बेटी के ऊपर गर्म पानी डाल दिया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ करना मालकिन, लेकिन मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया आप चले जाइए यहाँ से। इतना कहकर वसुंधरा मालकिन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। मालकिन मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अब वसुंधरा अपनी बेटी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।